हे फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि जिन तरबूज के छिलकों को आप फेंक देते हैं उनसे कितनी अच्छी टेस्टी डिश बनाई जा सकती है? तो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है वाटरमेलन हलवा, जो कि हमने उसके पील से बनाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैंने लिए हैं ये वाटरमेलन पील्स, ये देखिए। तो हम इन्हें यूज़ करेंगे। और ये जो मेरा है वाटरमेलन जो मैंने लिया था, ये ज़्यादा रेड नहीं था। और अगर इसका रेड पोर्शन भी आप देखेंगे, जैसे कि ये थोड़ा सा है, ये रह जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इनको पीसीस में कट कर लिया, और फिर हम इन्हें छील लेंगे इस तरीके से। इसकी थोड़ी सी मोटी लेयर हमें निकालनी है, देखिए। तो अब आप देख सकते हैं, ये मैंने सारे इनके पील्स निकाल लिया है छिलका। और जो हमने थोड़ा सा मोटा लेयर हम निकालते हैं, क्योंकि जो वाटरमेलन का जो बाहर का जो कवर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो देखिए, और अगर आपका वाटरमेलन रेड है और उसका भी पोर्शन रह जाता है, वैसे तो रेड वाला ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेरा वाटरमेलन थोड़ा कम रेड था बाई चांस, तो मेरे को यही यूज़ करना पड़ रहा है। तो अब हम इसके पीसेस कर लेंगे, देखिए। तो अब मैं इसके ऐसे रफली, इसके ऐसे मैंने मोटे मोटे पीसेस कट कर लिए। तो अब इन वाटरमेलन के पीसेस को, एक्चुअली छिलके के पीसेस को, मैं मिक्सर में डाल दूंगी। तो ये मैंने मिक्सी में डाल दिए, और अब हम इसे बिना पानी डाले इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये देखिए, ये हमारा जो वाटरमेलन के पील्स का पेस्ट है, ये मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, और ये पानी इसने अपना ही छोड़ा है। और इस तरीके से मैंने पीस के रख लिया है इसको, एकदम स्मूथ पेस्ट है ये। और मैंने तकरीबन 2 किलो का मेरा वाटरमेलन था, उसका पील यूज़ किया है। तो मैंने एक, अब शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, और इस पर हम डाल देंगे घी, और घी को हम मेल्ट होने देंगे। मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। तो घी हमारा गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। और इसमें मैंने डाले हैं 3 बड़े चम्मच बेसन और 3 बड़े चम्मच सूजी के। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि एक थोड़ा सा जो हमारा हलवा है उसको बाइंडिंग मिल जाती है। और जिस तरीके से आप वाटरमेलन के पील को कम ज़्यादा करेंगे, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आप 1 किलो के तरबूज का बना रहे हैं, तो आप 1.5 या 2 चम्मच सूजी और उतना ही बेसन डालें। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसे 5 मिनट तक के लिए भूना है, और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे से हमें दिख रहा है कि ये भुनने लग गया है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे, और ये जो वाटरमेलन का जो पेस्ट हमने बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसे चलाते हुए पूरे 10 मिनट तक पकाएंगे। मैंने सारा वाटरमेलन का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है, और मैं इसे चलाते हुए पकाऊंगी। मैंने तकरीबन 2 किलो का वाटरमेलन लिया था, उसका है ये। और आप एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि अगर आपका वाटरमेलन रेड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर डिफरेंस आ सकता है, वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर देता है। और हम इसे ढककर पकाएंगे, बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे ताकि ये चिपके ना। तो 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसको चेक करते हैं। और हमने इसे बीच बीच में भी चेक किया था हिलाते हुए, ताकि ये जले ना। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो पूरा पानी है वो ऑलमोस्ट सूख गया है। जब भी हम हलवा बनाते हैं, उसमें घी डालने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ जो ये हलवा है ये चिपकना शुरू कर देता है। तो ये पूरा सूख गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और अब हमें इसे मेल्ट करना है, चीनी भी इसके साथ मिक्स हो जाएगी, तो चीनी अपना पानी ज़रूर छोड़ती है, ये थोड़ा गीला हो जाएगा अभी। और इसे भी हमें लगातार 5 मिनट तक पकाना है। तो 5 मिनट हो गए, हम इसको उठा के देख लेते हैं। देखिए, हमारा हलवा पकना शुरू हो गया है, मुझे लग रहा है।
और अब हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें 4 इलायची कूट के मैंने डाल दी है। इलायची के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैंने बादाम और किशमिश डाला है। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और हम इसे दोबारा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 4 बूंदे केवड़ा एसेंस की। एक अच्छा सा खुशबू इसमें आ जाती है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर आपका जो वाटरमेलन है वो अगर रेड कलर का होगा अंदर से तो उसका तो नेचुरल ही कलर आ जाता है, लेकिन मेरा वाला थोड़ा कच्चा था तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ। कलर वैसे ऑप्शनल है, अदरवाइज़ इसका नेचुरल कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। और इसे हम मिक्स करेंगे और बस 2 या 3 मिनट हम इसे भूनते हुए पका लेंगे। अब आप देखेंगे कितना अच्छा कलर आ गया है और हलवा हमारा कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 5 से 6 चम्मच दूध और इसे दोबारा हम मिक्स करेंगे और जब तक ये दूध पूरा सूख जाए हमें इसे पकाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा हलवा है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी है। ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई छोड़ चुका है ये। और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।